कल ही एक बयान आया, आपने सुना है कि एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर जो है वो बायस्ड है, या वो वैसा नहीं है, मतलब उसको निष्पक्ष नहीं है, तटस्थ नहीं है। मैं अपना, उन्होंने शायद संकेत भी दिया कि मैं अपना सोशल कुछ लाऊंगा मंच। तो ट्विटर की, फेसबुक भी जब शुरू किया था तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम तो ऐसी एक मीडिया है जिसमें हमारे, जिसको जो आना है बोलना है, बात करे हो जाए। फिर भी इसके बावजूद उन सब पे आरोप लगे, अच्छे खासे आरोप लगे कि ये इसको फेवर कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, इसको गलत ब्लॉक कर दिया और देश नहीं मान रहा है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में वू के सामने भी ये चैलेंज कैसे इस सब से बाहर रहेगा, वू कैसे मुक्त रहेगा इन चीजों से। सर, हमारे जो वैल्यूज हैं, जो फिलॉसफी है जिसके साथ हमने शुरुआत की है और जिससे हम आज चला रहे हैं, आप देखेंगे कि किसी को भी बैन नहीं किया गया है। तो वहां पे फिलॉसफी क्या है कि आदमी गलत नहीं है। उसने जो एक बात कह दी वो हो सकता है गलत हो, उसके लिए उसको बैन करने की जरूरत नहीं है। जो कंटेंट उसने अगर कुछ कहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको निकाल दिया जाएगा। आपने किसको गाली गलौज कर दी, आपने जैसे कुछ, जैसे ट्विटर ने ट्रंप को ब्लॉक किया, हाँ और लोग ठीक माना, ठीक इसलिए माना कि वो पूरी तरह से देश को बर्बाद करने वाली बातें कर रहे थे। मतलब कि हमारे सोसाइटी का फैब्रिक दंगे हो जाएं, इस लेवल की बातें करने लगे थे एक के बाद एक ट्वीट में। तो उनको पूरी तरह ब्लॉक किया गया और किसी ने इसका उस तरह से विरोध नहीं किया कि तो शायद ट्विटर को ऐसा लगता है कि कई बार सिर्फ एक पोस्ट को ब्लॉक करना काफी नहीं है। हमारा रूल ये है, हम जज नहीं है। आई एम नॉट द सुप्रीम कोर्ट, आई एम नॉट द लॉ। माई जॉब इज टू फॉलो द लॉ एंड टू एनेबल द लॉ टू टेक इट्स कोर्स। अगर आप मुझे कुछ दिखाते हैं कि ये जो बात इसने कही है ये गलत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इसको निकालिए, ये रहा कोर्ट ऑर्डर, उसको निकाला जाएगा। सही बात है। अभी आपको लगता है कि ट्रम्प ने कुछ गलत कहा, मगर वो प्रेसिडेंट चुन के आए तो कई लोगों ने उनको सपोर्ट तो किया। अगर उनकी बात सपोर्ट नहीं है तो उनको लाइक्स और ये सब नहीं मिलेंगे। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ कहा है तो उसको निकाल दीजिए। मगर जब आप किसी आदमी को अपने बायस पर निकाल देते हैं और वही चीज और किसी आदमी ने की और उसको रखते हैं, इसको बायस कहा जाता है। इसीलिए 1 मिलियन से ज्यादा वोट आए हैं इलॉन मस्क के पोल को, कि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे दिखता है कि तुमने ये किया है मगर यही रूल आपने दूसरे आदमी के साथ अप्लाई नहीं किया है। वहां पर लोगों को लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं, आपका एल्गोरिथम कुछ दिख रहा है। समझ लीजिए आपने कुछ एल्गोरिथम डाला है, मैं ऊपर आता हूँ, मुझे और किसका पोस्ट सबसे ऊपर दिखता है और किसका पोस्ट नीचे दिखता है। 10 घंटे का चीज ऊपर दिख रहा है, 1 मिनट का चीज नीचे दिख रहा है। अभी आपने एल्गोरिथम लिख दिया है, क्या आपका एल्गोरिथम सबको मालूम है? क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एल्गोरिथम नहीं टाइमलाइन फीड देख लूं? ये सब चीज, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जैसे एक हमारा जो एल्गोरिथम है वो कोई भी जाके देख सकता है कि क्या है एल्गोरिथम और क्यों बनाया गया है, आपकी पॉलिसीज क्या है, आप किस चीज को निकालते हो, किस चीज को छोड़ देते हो, लीगली मैं कंप्लेंट कैसे कर सकता हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है। वो इसलिए आया है कि भाई ट्विटर ने सरकार की सुननी बंद कर दी, सरकार के कुछ मंत्रियों को बैन किया गया या उनका अकाउंट बंद किया, और उनको, उनके सीईओ को या किसी अफसर को बुलाया गया तो वो आए नहीं सरकार से मिलने, वगैरह वगैरह। तो वो थोड़ा सा इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है चीजें, तो इसलिए जन्म हुआ कू का, जो पूरी तरह से एनडीए गवर्नमेंट को की आवाज बनेगा या उसके नैरेटिव को आगे बढ़ाएगा, वगैरह इस तरह का एक परसेप्शन बनाए, इसलिए हुआ है। सर, हमने शुरुआत की थी, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और अगर कू ऐप देखेंगे तो वहां पे आपको डेट दिखेगा नवंबर 2019 का। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, समझ लीजिए। आप जाकर सर्च करिए कि कू ऐप की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं और एकदम लास्ट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा नवंबर 2019। बिल्कुल।
जब हमने पहला ऐप बीटा लॉन्च किया था, टेस्टिंग चालू की थी, तब जाके इसका निर्माण हुआ है। अभी जो सरकार का जो झगड़ा हुआ है ट्विटर के साथ, अनबन हुई फार्मर लॉ फार्मर के टाइम पे, फार्मर एजिटेशन के टाइम पे, वो तो हुआ 2021 में, बस एक साल पहले। तो हमने शुरुआत तब की थी। ये सही बात है कि कई लोगों को हमारे बारे में पता चला 2021 में, मगर हमारा जन्म तो 2020 में हुआ था। 19 में हमने सोचा था कि ये शुरुआत करनी चाहिए। हमारा गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है सर। हम क्या है, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम चाहते हैं कि इतने लोग यूज करें। अगर मैं बोल दूं ये बीजेपी का है तो इतने लोग यूज करेंगे, कांग्रेस का है तो इतने लोग यूज करेंगे। हम लोग हैं बिजनेसमैन, हम चाहते हैं पूरी दुनिया यूज करे, ठीक है ना। और ये मंच बनाया गया है लोगों के लिए, सोशल मीडिया मतलब सभी के लिए, तो कोई भी आके यूज कर सकता है। आज कूपर 20 से ज्यादा पार्टीज हैं, कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स को छोड़ के कई सारे एरियाज हैं जिसपे लोग हर दिन बात करते हैं। क्रिकेट है, एंटरटेनमेंट है, पोएम है, ज्ञान है, हिस्ट्री है, अलग अलग किस्म की बातें हो रही है। तो ये एक्चुअली बनाया गया है अपने देश के लिए। अभी देश का जो सेंटिमेंट है, देश में जिस तरह का एक ध्रुवीकरण है, उसमें जो भी थोड़ा सा अल्ट्रा वो कुछ लोग तो इसको हाइपर भी बोलते हैं, कि हाइपर नेशनलिज्म, अति राष्ट्रवाद या भावुक राष्ट्रवाद, इसकी जो भी बात करेगा उसके उसके लिए अभी बिजनेस भी करना आसान है अभी के सिनेरियो में। जैसे आप तो खुद भी कह रहे हैं कि भाई देश की ऐप है, देश को सपोर्ट करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है एक बिजनेसमैन के लिए ये पूरा माहौल वो इसको कैसे ले रहा है? सर मुझे क्या लगता है कि हमारा काम क्या है कि ये समझ लीजिए सोशल मीडिया है, मतलब मैं पब्लिशर नहीं हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या भावनाएं हैं, मेरे वैल्यू सिस्टम्स क्या है, लोगों को कोई मतलब नहीं है और मतलब होना भी नहीं चाहिए। हमारा काम था मंच बनाना। अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे, हमने एक स्टेज बनाया है, उस पर माइक डाल दिया है और नीचे लोग खड़े हैं, और हमने लोगों को बोला है लोग आते रहेंगे, माइक यूज करके बात करते रहेंगे, आपको जिसकी बात सुननी है आप खड़े रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिटिशियन है या ये एंटरटेनमेंट वाला है या क्रिकेटर है, इसकी बात सुनिए उसकी मत सुनिए, ये पार्टी की बात सुनिए उसकी मत सुनिए, ये पिक्चर देखिए वो मत देखिए, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं। मैंने रोड बना दिया है, अभी उस पर गाड़ी भी चलेगी, ट्रक भी चलेगा, मोटरसाइकिल भी चलेगी। आपने जो कहा वो एकदम सही है कि माहौल ऐसा बन चुका है कि लोगों में, कुछ लोगों में आक्रोश है, कुछ लोगों में पेट्रियोटिज्म है, नेशनलिज्म है, ऐसा सब। हमारा काम क्या है, सबको एम्पावर करिए और एक दूसरे से जुड़ने के लिए एकदम आसान चीज बनाइए। हमारा कभी भी कुछ बायस नहीं रहा है कि ये पार्टी वो पार्टी वो सब, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मंच नहीं है, यहाँ पर हर किस्म की बातें होती है। मयंक जी, अब जैसे नंबर्स की बात करें तो आज कंपनी कहाँ खड़ी है आप बताइए, और आगे कहाँ जाना चाहते हैं? जी हम अभी 10 भाषाओं में है, 10 भाषाओं में, और भारत में करीबन 50 भाषाएं हैं जहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग बात करते हैं उन भाषाओं में। तो ये सब ओपन फील्ड है, ये पूरा मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं। आज करीबन 33 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पू को, मुझे लगता है 30 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो गए हैं। मुझे लगता है आसानी से 100 मिलियन तक जा सकता है, हमारी आबादी इतनी है, इतने सारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम टाई अप करेंगे, ग्रोथ होगी। कई सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है पू के बारे में, कई सारे लोग जिनको पता है उन्होंने ट्राई नहीं किया है, कई सारे वीआईपीस का आना बाकी है। तो ग्रोथ हमारे, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ हमारे देश की, सिर्फ भारत में कितना ग्रोथ हो सकता है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं तो 20% लोग इंग्लिश में बात करते हैं इंटरनेशनली, 80% लोग कोई ना कोई अलग अन्य भाषा में बात करते हैं, वो पूरा हमारा मार्केट है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।